जी तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद, आज हम बात कर रहे हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। तो अब मैं स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, अगर आप सभी जानते हैं स्टॉक का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा इस बार और आप देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन जो गिरावट रही, अगर आपके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल स्ट्रांग है, मतलब जो इसका बार क्वार्टर अच्छा गया था और जो परफॉर्मेंस दे रहा था पिछले कुछ टाइम से, फिर गिरावट में रहा इसका एक हफ्ता, उस वजह से स्टॉक के अंदर दबाव बना रहा। तो स्टॉक के बाकी टारगेट्स और डिस्कस करें उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी बताऊँ मैं, अगर ये 5% जो डाउन गया है, अगर उससे ज़्यादा डाउन ये जाने की संभावना ये रखता है अभी भी। क्यों क्यों रखता है ये 50% जैसा जंप इसके पास था स्टॉक के पास, लेकिन अब गिरावट में आ चुका है। और एक बार जब गिरावट में चालू हो जाता है उसके बाद डर सा लगा रहता है स्टॉक के अंदर कि क्या ये गिरता ही रहेगा या उठने की चांसेस है स्टॉक के अंदर। तो वैसे ही बात है स्टॉक के लिए। और अगर बात करूँ आगे की, जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड दिख रहा है आपको स्टॉक सामने, अभी 3.80 रुपये पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक है और लगभग माइनस में है। तो माइनस में कितना, 0.20। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ओवरऑल कंपनी को अभी बढ़िया प्रॉफिट हुआ, लेकिन अभी देखा जाए इतने टाइम से जो 50% का जंप था स्टॉक के अंदर अब वो गिरने लगा है। क्यों गिरने लगा है, क्योंकि अब कंपनी को लगा है मतलब प्रॉफिट बुकर जो आप सब जानते हैं, ये पहले एक विकास लाइफ केयर विकास मल्टी क्रॉप था और वो 20 पे गया हुआ स्टॉक था, उसके बाद वो गिर गया था इतना, 4 रुपये पे आ गया था। तो वैसे ही ये स्टॉक उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरह था, तो इसके अंदर से निकलना था, तो इसलिए जो ये शेयर ऊपर गया था उसके बाद खूब लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी और ये 50% जाके वापस डाउन आने लगा। अगर मैं बताऊँ पिछले 5 दिन में आप देख सकते हैं गिरावट में रहा ये वीक, महीने भर में पॉजिटिविटी देखने को क्यों मिली, क्योंकि वो 50% की रैली थी उसके बाद गिरावट हुई है। और अगर 6 महीने की बात करूँ तो आपको साफ देखने को मिलेगा इतना बढ़िया जम था उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली नहीं। और अगर बात करें पूरे 1-5 साल की, 1 साल की बात कर लेते हैं क्योंकि स्टॉक इतना लंबा नहीं है, अभी आया हुआ। अगर आप देख सकते हैं कितना अच्छा जंप इसने दिखाने की कोशिश की, 70-80%, लेकिन अब क्या मतलब जब गिरावट आने लगी है। और अगर फाइनेंशियल अब अंदर ही चलते हैं फाइनेंशियल के, तो आप देख सकते हैं 1995 की कंपनी है, 13 एम्प्लॉय, रिटर्न्स रेवेन्यू आपके पास है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स है। अगर मार्च वाले बुरे थे, दिसंबर वाले बुरे थे, सितंबर वाले, लेकिन जून वालों ने जो परफॉर्मेंस दिया उसने स्टॉक ने भी परफॉर्मेंस दिया वैसा ही। तो आज का वीडियो इतना ही था, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।